सिका यानी मजबूत यानी मोतबर, जिसकी बात मोतबर हो। जैसे अक्सर उलमा के हमारे साथ नहीं, हम तो छोटे से आदमी हैं, जैसे अक्सर उलमा के साथ सिक्कतुल इस्लाम है ना, हुज्जतुल इस्लाम नकवी सब एक कहे जाते हैं सिक्कतुल इस्लाम, उनके लिए कहा जाता है जो हदीस के बड़े मजबूत सिका रावी। वैसे किसी भी आलिम को लिखा जा सकता है, आप तो माशाल्लाह आप जिसकी मर्जी लिख दें, मेरे साथ आयतुल्ला लिख दें मैं तो खुश हो जाऊंगा। अभी मैंने देखा एक आयतुल्ला को, दुनिया में कोई जानती नहीं उसको, वो आयतुल्ला है। मेरा ख्याल है उसका सिन जो है 24-25 साल से ज्यादा करी, लेकिन जिस तरह का वो इश्तिहार था ना, वो लग रहा था कि ये जान के प्लांटेड, अभी पता नहीं क्या क्या काम होने वाले हैं। ये आप देखते जाइए, आप खामोशी से देखते जाइए, कुछ बोलिएगा नहीं, समझ के जो हो रहा है होने दीजिए। तो अब मसला ही कि आप जिसके साथ जो चाहें लकब लगा दें, मर जाए तकलीद लिख दें, मुझे कोई रोकने वाला है? हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस? हमसे कहते हैं क़िबला ये फलां ये लिख रहा है, आप क्या कर, मैं क्या करूं भाई, क्या करूं? वो लिख रहा है ना, मेरे पास कोई अथॉरिटी है? मैं तो यही कह सकता हूं जो यहां से सुना रहा हूं, सुनाता रहता हूं कि भाई गलत है, मैं अथॉरिटी तो नहीं हूं। और फिर उसकी हिमायत में जो 150 आदमी खड़े हुए वो उसको फिर लिखे, मैं जैसे मैंने मना किया और जिद में लिखेंगे, अभी आयतुल्ला लिखा फिर कहेंगे मर जाए तकलीदे जहाने तशय्यो कर लो, फिर कहेंगे कर लो जो करना है। यहां तक नौबत पहुंच गई। जब किसी कौम पर जवाल आता है सबसे पहले इल्म उससे छीन लिया जाता है, जिहालत का राज, हर तरफ जिहालत का राज। जाहिलों के सामने मजमे बैठे होंगे और जनाब माजरत के साथ वो लफ्ज इंग्लिश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि तलफुज गलत ना हो, जबान का जायका, ये सब बोला जवाल की निशानी होती। इल्म दुश्मनी शुरू, कौम का जवाल शुरू हो गया, मैयार गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, यहां तक आ गया। मैयार समात कहां था? अहले मजलिस का। और मैयार गुफ्तगु क्या था? अहले मिंबर का। वो गिरते 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 यहां आ गया कि वो बच्चे बच्चे उनको सिर्फ खिताबत सिखाई जा रही है। समझ में आ रही है हमारी बात? उनको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें मजमा कैसे इकट्ठा करना है। इतनों को हमने कहा कि भाई अपने बच्चों को भेज दो, पढ़ने भेज दो। जब तुम्हें शौक है आलिम बनाने का, कहते नहीं आलिम नहीं बनाना, अल्लामा बनाना है। समझ में आई बात? आलिम नहीं बनाना, अल्लामा बनाना, क्यों? उसको जल्दी है, जल्दी, ताकि मेरा बच्चा जल्दी से शोहरत हासिल करे, वो आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए शोहरत की। क्या क्या हो रहा है? खिताबत सिखा दो बस, खतीब बन जाए, 25-30 मजलिसें रट के पढ़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, बैठेगा अखबार पढ़ के आएगा, सुना देगा पूरी मजलिस, इधर की सुनेगा, और जब सब मैटर खत्म हो जाएगा तो मिंबर से ऑल फॉल, इसको बुरा, उसको बुरा, उसको बुरा, उसको बुरा, दूसरों को बुरा कहने पर FIR कट रही है, अपने तो बहुत है, इनको गालियां दो, इन पर कौन FIR काट रहा है? समझ में आ रही है भाई? अब ये हो गया ना खतरा कि भाई दूसरों में बोले तो FIR कट जाएगी, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अपनों पे शुरू हो जाओ, अपनों को गालियां देना शुरू कर दो। एक मसला नहीं है अजीजों, एक मसला नहीं है, ना मालूम क्या हाल है। मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।